नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसार के पहले युगल जिन्होंने परिवार और विवाह परंपरा की शुभ शुरुआत करी, उनके इस पवित्र दिन की आपको बहुत ही मंगल कामनाएं हमारे ब्लॉग की तरफ से। तो बताइए कमेंट करके क्या क्या तैयारी की है आपने इस बार शिवरात्रि पर। ये योगिता जी और नैना मंदिर जाने की तैयारी कर रही हैं। बताइए क्या क्या रखा है आपने मंदिर की थाली में आज भगवान को चढ़ाने के लिए। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स माय वर्ल्ड बाय योगिता में। आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हम अब मंदिर जा रहे हैं, हमने थाली लगा ली है मंदिर के लिए। मंदिर में जल अभिषेक करने जा रहे हैं और देखिए हमने थाली में आज क्या क्या रखा है। शिव जी को प्रिय बेर, शहद, घी का दीपक, फल में केले और गणेश जी के लिए धूप, गठबंधन के लिए कलावा और मीठे के लिए चौलाई की चिक्की और ये हैं चावल, काले तिल और ये हैं समीपत्र, कुछ फूल और बेलपत्र। बेलपत्र शिवजी के बहुत ही प्रिय है। और ये लिया है हमने जलाभिषेक करने के लिए पंचामृत। इसमें हमने गंगा जल, जल, दही, शहद और दूध। तो चलिए दोस्तों मंदिर चलते हैं और आपको भी भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और अभी हम अपने घर से बाहर निकले हैं और हमें गिलहरी होगा, बहुत सारी गिलहरियाँ और चिड़िया हैं यहाँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है हमारे यहाँ का, पर लोग कूड़ा इन जगहों पे बहुत फैला देते हैं इसलिए इन जानवरों को खतरा हो रहा है। तो कृपया कूड़ा डस्टबिन में ही डालिए। तो दोस्तों ये दोनों आगे आगे जा रहे हैं और ये दोनों कौन है देख सकते हैं आप, मेरी दीदी, मम्मी की नैना और ये पापा। देखिए पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। गाइस पूजा के लिए गुड़हल के फूल तोड़े हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। और अब बसंत ऋतु भी आने वाला है तो पेड़ पौधों की संख्या और बढ़ेगी। ये देखिए गाइस कितना सुंदर गुलाब का फूल और गुड़हल के फूल। चलिए अब मंदिर में चलते हैं और आपको भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन कराते हैं। देखिए गाइस कितने सुंदर गेंदे के फूल हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर फुलवारी बगिया फूलों से भरी हुई। ये देखिए गाइस बिल्ली कितनी सुंदर कैट है, ये देखिए। गाइस आज हम महाशिवरात्रि पर, आज हमारा सबका व्रत है तो बच्चों की डिमांड पर आज हम व्रत के साबूदाना वड़े बना रहे हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ क्या क्या सामग्री जरूरत होगी इसके लिए। देखिए ये एक कप साबूदाना जिसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये देखिए कितना अच्छा साबूदाना फूल गया है। ऐसे आप दाना फोड़ कर देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो रखा है साबूदाना। कम से कम 6 से 7 घंटे तक आप जरूर भिगोइए साबूदाना, तभी बड़े अच्छे बनेंगे। एक कप साबूदाना और कच्ची मूंगफली जिसे अभी हम रोस्ट करेंगे,
चार आलू, 4 से 5 आलू जो भी आप ले सकते हैं, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और व्रत का सादा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और खटास के लिए 1 नींबू का रस। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पैन गरम कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें मूंगफली डालकर रोस्ट करेंगे। विदाउट ऑयल हमें मूंगफली रोस्ट करनी है। जब ये हल्की हल्की छिलक इनका अपने आप ही उतरना शुरू हो जाएगा, जब ये पक जाएंगी छिलक अपने आप उतर जाएगा। ये देखिए गाइस, मूंगफली हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये छिलक अपने आप ही उतरने लगा है इनका, ये देखिए, ये देखिए, और हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। अब इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इनके छिलक उतार कर दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। अभी इन्हें ठंडा होने दे थोड़ा सा। ये देखिए, हमने सारी मूंगफली के छिलक उतार कर इन्हें तैयार कर लिए। सब देखिए आसानी से उतर गया छिलक इनका। अब इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने मूंगफली दरदरी पीस ली है। साबुदाने को हम बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर अच्छा लगता है तो डाल दीजिए, नहीं लगता तो उसे स्किप कर सकते हो। मैं हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, अब हम इन्हें मिला लेंगे। पहले अगर आप लाल मिर्च खाते हो तो व्रत में लाल मिर्च भी डाल सकते हो। हम लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसलिए मैंने हरी मिर्च डाली है। ये देखिए, सारी सामग्री हमने मिला ली है। अब हम इसमें, ये देखिए, ग्रेटर से हम आलू ग्रेट कर कर डालेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी फोड़ कर डाल सकते हो, मैश कर कर। ये देखिए, कद्दूकस के मदद से हमने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं और अब हम इसे सारी सामग्री को एक साथ मिला लेंगे। इधर हमारा तेल गरम हो रहा है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए गाइस, हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इनके हम छोटे छोटे कटलेट बना लेंगे, इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाकर। आप किसी भी शेप में, जो भी आपको पसंद हो उसी शेप के कटलेट बना सकते हैं, पर ज़्यादा मोटे मोटे मत बनाइएगा, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे सिकने पर। ये देखिए, इस तरह से पहले हम सारे कटलेट एक साथ बनाकर रख लेंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। अगर कटलेट ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं हाथ पर। ये देखिए गाइस, हमारे कटलेट बन गए हैं। अब हम इन्हें पहले तेल देखते हैं, तेल हो गया क्या हमारा। तेल थोड़ा तेज ही रखना है। तेज करने के बाद आप गैस को मीडियम हाई पर कर देना। तेज गैस पर ये ऊपर से ही सिकेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पहले आप तेल तेज करके गैस को और फिर मीडियम आंच पर कर देना और उसके बाद आप थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लीजिए हमारा तेल गर्म है या नहीं। ये देखिए, हमारा तेल प्रॉपर गर्म हो गया है, बैटर एकदम ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब तेल हमारा गर्म है। अब हम मीडियम आंच कर धीरे धीरे अपने कटलेट ऑयल में छोड़ेंगे। गाइस, सावधानी से छोड़िएगा क्योंकि कभी कभी साबुदाना तिड़क कर आपके फेस पर भी गिर सकता है। ये देखिए, ऐसे धीरे से साइड में से हम सारे कटलेट छोड़ देंगे। ये
देखिए साबुदाने के कटलेट अभी नीचे बैठे हुए हैं, जैसे जैसे वो सिकेंगे अपने आप ही ऑयल के ऊपर आ जाएंगे। और अब हम इन्हें करारे होने तक सेक तलेंगे। आप तल भी सकते हैं डीप ऑयल में और कटलेट भी बना सकते हैं थोड़ा सा तेल कम डालकर। देखिए गाइस हमारे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। सुनहरे होने तक हमें इन्हें पकाना है। अब हम इन्हें धीरे धीरे निकाल लेंगे। देखिए गाइस हमारे साबुदाने के कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे हम चाय के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे दही चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, पर हम अभी चाय के साथ कर रहे हैं। और पहले हम अपने लड्डू गोपाल और महादेव जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम सब टेस्ट करेंगे। देखिए कितने करकरारे बने हैं कटलेट, और इन्हें आप भी घर पर बनाकर ट्राई करिएगा एक बार, आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। दोस्तों इसे लाइक शेयर और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आपको और आपके पूरे परिवार को। हम सब की तरफ से माँ शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोग की थाली तैयार है और देखिए मम्मी ने क्या क्या बनाया है आज। ये हैं व्रत के सूखे आलू, ये मट्ठे वाले आलू, और कुट्टू की पूरी, साबुदाना के कटलेट, धनिया पुदीना की चटनी, सामक के चावल की खिचड़ी और मट्ठा। चलिए चलते हैं और महादेव को और पार्वती माता को भोग लगाते हैं।